जीनियस आदमी थे, जीनियस आदमी थे, ऐसे सही लाइट वाले मिले हिंदुस्तान जी, सही हिंदुस्तानी लाइट डिजाइनर वही थे, ऐसे बोलना चाहिए। बहुत। इतनी खराब तबीयत फिर भी एकदम लास्ट मोमेंट तक काम करते रहते थे। काम करते अरे बंटी भैया क्या दादा आवाज आ रही है? हाँ हाँ आते आवाज आते। चलिए चलिए, मैं नमस्कार करती हूँ आपको और स्वागत करती हूँ हमारे मंच पर। ये जो एक मेरा मंच है वो एक साझा प्रयास है जिसमें हम रोज कोई ना कोई विधा पे या किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं मेरे मंच पे आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हम सबकी ओर से नमस्कार करती हूँ। नमस्कार नमस्कार जी। और अब चाहती हूँ कि ये क्लास आप अपने अनुसार हैंडल करें और हमें नाचा के बारे में एक जमीनी जो जानकारी होती है वो बताए, साथ ही कुछ लोकगीत वगैरह यदि आप हमें बता सके तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ 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 बताऊंगा। तो आपको नाचा के बारे में बताता हूँ मैं अपने बचपन से। ठीक है, जा रहा है आवाज? हाँ हाँ जा रही है, जा रही है। नाचा क्या है, कहाँ का है, कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, उसकी कॉस्ट्यूम, उसके वाद्य यंत्र क्या है, वही बताना चाह रहा हूँ आपको। जी, जी, जी। जब मैं बचपना था, आ रहा है आवाज ना बराबर? हाँ बराबर आ रहा है आपका आवाज। हाँ, जब मैं बचपना था तो मैं नाचा देखने जाता था, अक्सर गांव में होता था। तो मैं दो प्रकार का नाचा देखा अपने जीवन में। एक वो चिकारा होता है, सारंगी के छोटे भाई जी, उससे नाचा होता था, वो खड़ी साज कहते थे उसको जी। उसके बाद फिर ये जो हारमोनियम तबला ढोलक ये सब आया जी, वो एक हमारे छत्तीसगढ़ में मशहूर आदमी है मद्राजी दाऊ जी। मद्राजी दाऊ ने हारमोनियम पेटी तबला से नाचा शुरू किया जी। तो मैं उस जमाने में 8-9 साल का था तो मैं भी, मेरे को शौक आया। मैं बचपन से गाना गाने का बहुत ही शौकीन था, ये एक्टिंग फेक्टिंग कुछ नहीं जानता था। तो मैं अपना बाल बढ़ाना शुरू किया पहले तो जी, नाचना करने के लिए, बेनी गातने के लिए। हाँ हाँ बाल बढ़ा, हाँ बाल बढ़ाना शुरू किया। फिर वही 13-12 साल के आते आते मैंने नाचना गाना शुरू किया हारमोनियम पेटी तबला में जी। तो जब तक एक माहौल बन गया था, बहुत सारे पार्टियां थी नाचा का, इतने सारे मशहूर मशहूर, रवेली वाला पार्टी, बरोंडा वाले पार्टी, छोटा वाले पार्टी, बरसन पार्टी, छोटे के लखोली पार्टी, नाचा ही नाचा, नाचा ही नाचा। जैसे आज आज के जमाने में जितने हर घर में टीवी टीवी टीवी, उस जमाने में हर घर में कुछ न कुछ होता था। बच्चा पैदा हो गया, गांव को उत्साह हो गया तो नाचा चाहिए चाहिए। तो नाचा एक ऐसा फॉर्म है, मेरे ख्याल से अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो ये भी एक थिएटर का स्वरूप देता है ये नाचा। तो हमने नाचा में अच्छे अच्छे लेखकों का कुछ कुछ सूझ गया नए चीजें, तो उसको हम लोग एक नाटक बना लेते थे जी। नाचा में जैसे हर पार्टी लोग करते थे, जैसे कि भाई हमको 4 शहर जाना है कहीं, मद्रास, बम्बई, वो कलकत्ता, 4 शहर जाएंगे तो 4 शहर कैसे देखा है हम नाचा में, चारों तरफ दर्शक, बीच में स्टेज। तो ये नाचा एक अजीब सा चीज सीख देता था, शायद अब भी देते होंगे अगर जो करने वाला हो तो 4 कदम में 4 शहर। हाँ, एक कदम उठाइए तो 1 शहर आ गया कलकत्ता। हाँ, दूसरा कदम उठाइए तो बॉम्बे आ गया। हाँ, तीसरे कदम उठाइए तो मद्रास आ गया। ऐसे 4 कदम में ये नाचा इम्प्रोवाइज। तो इम्प्रोवाइज हम लोग मेकअप करते 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 थे। एकाद अनहोनी कहीं रोड में देख लिया, कोई किसी बीबी ने बीबी को कोई जादूखोर ने मार रहा है, किसी के बारे में, किसी के बारे में लड़ाई झगड़ा क्या होता है, उसको एक आदमी जो रहता था वो लिख मारता था, उसको कहानी बना लेते। और किसी गांव राजा वाजा का कहानी, कुछ दो बीबियां की कहानी, सब एक से कहानी को मेकअप करते करते उसको एम्प्रोवाइज करते थे स्टेज में जाके। एक कहानी सब कान में डाल देते थे, आप राजा बनेंगे, मैं नौकर बनूंगा, तुम फला करोगे, तुम ठेकाना रोल करोगे, तुम मेरी बीबी बनोगे, ये छोटा वाला लड़का नाचता है वो मेरी बेटी बनेंगी। मैं भी लड़की की रोल करता था एक जमाने, बचपना से बाल बढ़ाया था इसीलिए। हाँ, मैं 11 साल या 10 साल
स्टेज में हाँ अपना पैर रख दिया था एक फ्राक पहनकर, वो फ्राक लिया था हाँ 125 रुपए, 1 रुपए 4 मीटर में लिया था 5 मीटर और कान छेद किए थे उसके बालक पहनने के लिए 10 पैसे में। ऐसा शौक हमारा ऐसे चल रहा था तो हमने वो नाचे शुरू कर दिए थे। तो बड़ों बड़ों की संगत 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 वही 7-8 साल हमने 17 साल तक उम्र तक वही बाहर में नाचा नाचे इंटरनेशनल था। अच्छे आदमी से हमने सीखता था, जिसके पास गुण हो उसके पास हमने बैठता था हमेशा, जो कुछ सीख मिले वैसे बड़े बड़े बुजुर्ग। धीरे धीरे वो नाचा में इतना मजा आता था कि हम लोग शादी सीजन मंडाई सीजन दिवाली के बाद में महीनों महीनों साइकिल में चल रहे हैं, सोते नहीं थे, जहाँ तालाब मिल गया कहीं मिल गया वहाँ नहा, वहाँ रोड में होटल के भजिया गाओ, चलते रहो चलता सफर। नाचा का फॉर्म मेरे को जब सही सलामत लगा, जब मैं हबीब तनवीर के साथ सन 74-75 में एंट्री किया ना, तो उनका नाटक में वो भी अब छत्तीसगढ़ का रायपुर के कभी कभी नाचा देखा होगा अपने बचपन में, जाते होते होंगे पढ़ते लिखते होंगे, तो वो पूरे उनके थिएटर में नाचा ही का कई चीज बिल्कुल सामने आया। मैं उनके पास कम से कम 20-25 नाटक कम से कम 100 वर्क का साथ किया हूँ हबीब साहब के साथ, उसने घुमा दुनिया उसी के साथ। मैं छोटी छोटी चीजों को जो कहते हैं आजकल के हमारे बच्चे लोग जो सीख रहे हैं बारीकियां गाना ठिकाना, उसको हमारे हबीब साहब के पास ये शब्द तो है ही नहीं, बारीकियां क्या होती है कैसे होता है सिचुएशन क्या कहती है, जिस रोल में आप डूबे हैं वो उसका सिचुएशन क्या है ये भापना पड़ता था। हम लोग जैसे मैं साहब के पास आया ना, ये सब चीजें टुकड़ों टुकड़ों में हर नाटक में कुछ ना कुछ झलक, किसी नाटक अगर ट्रैवल के बारे में नाटक हबीब साहब करे जैसे इरमा कमरकानी बहादुर कलारीन, ट्रैवल को कैसे जोड़ना उसमें, कुछ एक संगीत है ना ट्रैवल, वहां भी संगीत है मगर वो वहां रह कर देखो उनको सुनो ये धुन क्या कह रहा है मतलब क्या है, ये सब चीज हम लोग जा जाकर वर्क साहब करते थे बस्तर से लेकर मंडला तक जहाँ जहाँ आदिवासी, वो पेरिस में भी गए थे ट्रैवलों से मिलने के लिए, वो क्या कहते हैं वो डायरेक्टर का सबसे बड़ा डायरेक्टर रहते थे वहाँ जो महाभारत बनाया है पीटर ब्रुक, पीटर ब्रुक सब चीज को हाँ उसके भी गया था उसके जहाँ उसका आर्टिस्ट रहता है वहाँ जी, 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 हमने गया था सन 82 में जी, 82 में जी। तो वे सब चीजें वहाँ जो जानकारी होते हैं बेटा मैं क्या बताऊं, ये डायरेक्टर जो होते काम करने वाला कुर्सी मगर बैठ के काम करे, थिएटर के बारे में हो जो ज्ञान के बारे में वो शायद थोड़ा मेरे को लगता है कम। अरे खुद जाओ कुछ मेहनत करो का 2 महीना 12-13 साल में 5 साल उसी में लगाओ रिसर्च करो देखो क्या है जीवन, सारी एक्टिंग तो यही पड़ा है गांव में शहर में धरती में दारू भट्टी में जहां जहां खराब काम आते हैं खराब का सब सिचुएशन मिलेगा, पढ़ो लिखो ठीक है। तो हमारे नाचा में ऐसी इम्प्रोवाइजेशन जो भी करता था शराब करो तो शराबी अच्छा शराबी बनता था ये बिल्कुल ओरिजिनल, मर गया तो आंख में आंसू सिचुएशन को देख कर आएगा, दवाई डालना नहीं पड़ेगा नहीं भाई ऐसे ऐसे चीज है। चलो आप पूछो कुछ, मतलब आपके इसमें नाचा में स्क्रिप्ट जो रहते थे वो पहले से लिखी नहीं रहती थी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्ट था ही नहीं, बस जो है उसी वक्त इम्प्रोवाइज करना। हाँ जैसे हमारे दादी दादा लोग कहते थे एक शहर में एक राजा था उसका 4 बेटा था फला फला था ढेकाने का ऐसे बताते थे बैठ कर एक जगह बैठते थे हम लोग उस कहानी को सीधा स्टेज में इम्प्रोवाइज, राजा बनने भैया थे भैया राजा बनबे भैया ये रानी बनबे जी ते फलाना बनबे ते नाऊ बनबे ते वो बनबे ते शराबी बनबे ऐसे बढ़ जाता था रोल ऑटोमेटिक वो बांट देते थे और वो उस रोल को निभाना है। ये जैसे आपने हबीब तनवीर साहब का नाम लिया लेकिन गांव में नाचा कब कब और किस प्रयोजन के ऊपर होता था? ये जैसे कि शादी वादी है बारात जाना है जी उसमें गांव इकट्ठा वो दिवाली के बाद कोई वो पूजा ना हो रहा है मंडाई हो रहा है कुछ मेला हो रहा है तो नाचा चाहिए चाहिए ये हर सीजन जिसका बच्चा हुआ बच्चा हो रहा हाँ बोलिए तो हर सीजन में जैसे जिसके घर में खुशी हो गया जी 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 तो नाचा चाहिए चाहिए तो नाचा की भी क्वालिटी था उस जमाने में 500 रुपया वाले
₹400 वाले नाचा, 350 वाले, हम तो 120 तक में रात भर नाचते थे। अरे पूरा 12 आदमी कैसे करोगे? हाँ 120 में। अच्छा इसमें तो दादा इसमें कितने लोग रहते हैं? हद से हद बारह और कम से कम 12 की मंडली रहती। हाँ और ये कितने देर का हो सकता है, कितने मतलब इसकी अधिकतम और निम्नतम सीमा क्या है, मतलब कितना इसका समय कितना हो सकता है? देखो समय इसका हम लोग अपने जमाने नाचते थे, अभी भी नाचा नहीं होता, आपका हो गया कम बिल्कुल। हम 10 बजे रात को जो शुरू करते थे 7 बजे सुबह का वो खत्म होता था। अच्छा रेगुलर लाइव बिल्कुल। और अब हो गया जी, हाँ बोलो जी जी बोलिए बोलो बोलो। तो अब हो गया आप उसी नाचा को एक नकल को हम 40 मिनट में कर देते हैं, आधा घंटा हम करते हैं। सरकारी वाले बुलाते हैं कभी दिल्ली कभी भोपाल में पाना जगह, वहां जाना है भैया आपको। हाँ। नाचा दिखाना है तो 40 मिनट का टाइम रहता है उसका जी। हद से हद नाचा दिखाने वालों का तो 40 मिनट में समेटना उसको, ऐसा हो जाता है वो। लेकिन वो सामान्य रूप से रात भर चलने वाला प्रोग्राम है ये। हाँ पूरा रात भर नाचा। और इसमें महिला पात्रों का चयन किस तरह से किया जाता था? वो हम लोग लड़की बनने वाले 4-5 रहते थे वहाँ। हाँ। नाचा मंडी में जी। वो 3 डांसर जो नाचा स्टार्ट होता है, पेटी तबला ढोलक आ गया, हारमोनियम वाला छोटा मोटा भजन गाया, फिर एक नाचने वाले आ गए लड़का, वो लड़की बनकर साड़ी ब्लाउज पहनकर बढ़िया अपने जैसे लड़की रहते हैं वैसी जी। वो गाना गाया दो प्रोजेक्ट हो वो चला गया, दूसरा आया वो चला गया, फिर वो 5 वो जो रहते हैं पात्र लड़की का जो साड़ी वाले वो सब वो लड़की वड़की का बीबी का रोल करने वाले नाचा। अच्छा। पूरा वो कास्ट लड़की की जितनी भी रोल आता था वो लड़की ही लोग कर देते है, लड़की के अलावा नहीं था उस जमाने में हमारे जमाने नाचा। फिर अभी भी नाचा में लड़कियां करती हैं कि लड़के ही करते हैं? आप तो नाचा ही नहीं, मैं बहुत दिन हो गए देखे नहीं नाचा जाता हूँ तो। वो संस्कृति प्रोग्राम आ गया है आजकल जगह जगह, क्या संस्कृति प्रोग्राम है। अच्छा तो खुद समझ नहीं जी जी, इसकी जो समसामयिक कथा तो ठीक है, लेकिन इसकी जो हम नाचा की कथा वस्तु के बारे में यदि बात करते हैं तो इसकी इसके आख्यान या व्याख्यान पौराणिक रहते थे या ऐतिहासिक रहते थे? ये बहुत अभी बताया ना एक दो तो, चिकारा नाच मंडली था एकदम, उसको बोलते थे खड़ी साज जी। खड़ी साज के मतलब दो वो चिकारा वाला रहते थे बजाने वाला और दो तबले वाला, और वो तबला को वो कमर में बांधते थे, दो मसाल वाले थे रहते थे, दो डांसर थे उसमें, जैसे ये राई वगैरह होता है ना इधर बुंदेलखंड में जी, उसी स्टाइल का वो दो तबला वाले नाचा, दो मसाल वाले। उस जमाने में लाइट वाइट नहीं था, एक गैस बत्ती था, गैस बत्ती के जमाने तो उस जमाने में नहीं था, तब वो मसाल जलाते थे। वहाँ राजा हरिचंद का नाटक करते थे उन लोग, कभी कभी वो कॉमेडी करते थे, पुराना करते थे, हंडी फंडी को पेट में बांध के आ जाते थे, नंगे बतना देता था लंगोट लगा के जो कर लोग हंसवाने के लिए जनता को जमाने में जी। यहाँ से वो नाचा का मतलब आल्हा उद्दल, ये चंदैनी हरि कीर्तन आते थे पहले वो गांव, जैसे अभी वो गर्मी है तो महाभारत हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्या क्या नहीं होता था नाचा का अलावा है ये पंडवानी गाते हैं सब ना 18 दिन उस जमाने में। हाँ। तो ऐसी गर्मी समय में 8 बजे रात के शुरू करता था, 12:30 बजे रात के बंद कर देता था पंडवानी गाने वाले, जितने ऐसा है वो किजन भाई हो, झाड़ू राम हो, तो पुना राम हो, जितने बड़े बड़े हस्ती है इन लोग 18 दिन 9 दिन तक वो चंदैनी आता है, तो चंदैनी लोरी चंदक बारे में उन लोग गांव में आते थे नाचने गाने के लिए, उन लोग पास 7-8 दिन तक नाचते रहते, अरे हरि कीर्तन वाले ढोला मारू। सूरज भाई खांडेल गाती थी एक जमाने में, नाम सुनी होंगी जी जी। हाँ इतने फॉर्म है वहाँ, जब वो सब पैसे में चलता था जी। वो बाल बच्चे हो गए कुछ, तो भैया ऐसे कर यार एक नारियल और एक 100 रुपये रख ली भाई मोरी है तो निमंत्रण है जी। तो गांव वाले जिस जो आखिरी होते थे तो कोई 8 आना 4 आना, कोई 2 काठा धान, 4 किलो धान चावल दाल ये सब देते थे, उसको इकट्ठा करके ले जाते थे, ऐसा शुरुआत हुआ है नाचा ये सब चीजें। अच्छा। तो कोई नाचा पार्टी वाले, कोई चंदैनी पार्टी वाले, कोई पंडवानी वाले, ये सब था वहाँ छत्तीसगढ़ में। दादा इसमें जो महिला पात्र रहते हैं लड़के, उनका चयन किस उम्र में किया जाता था? और स्वाभाविक है कि वो सुंदर हो, दुबले पतले हो,
और थोड़ी सी कद काठी लड़कियों जैसी हो उनकी, तो इनकी उम्र का चयन कब होता था? वो बात वैसा नहीं था, वो क्या था जैसे कि 20-20 मंडलियां हैं छत्तीसगढ़ में नाचा मंडली जी, उसमें मैं भी एक नाचा मंडली वाला हूँ, एक नाचा मंडली में जाकर एक नाचा मंडली देखा जी, वहाँ दो चार लड़का अच्छे लड़की जैसे बढ़िया फर्स्ट क्लास गा रहा है लड़का है लड़की जैसे गा रहा है, गाना भी अच्छा, सुर भी अच्छा, ताल भी अच्छा, तो नाचा मंडली वाले कहते थे उससे मिलकर अकेले में कि भैया ते हमारे मंडली में क्यों नहीं आ जाते नाचने के लिए, फाना करते ऐसे भी चलता था वहां तो। अब मैं एक छोटा सा पार्टी में था नाचा पार्टी में, हबीब साहब ने मेरे को राजनांदगांव, सुने होंगे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, सुना है, वहां नाचा चल रहा था, तो मैं उस मंडली में था नाचा में जी। तो मैं जब नाचा नाच रहा था तो हमारे वो नया थिएटर हरमनियम मास्टर देवीलाल नाग और हबीब साहब कुछ काम से आए थे छत्तीसगढ़ में, तो नांदगांव रुके थे हबीब साहब, वो मेरा नाचा ही सुनकर, मेरी आवाज सुनकर, गाना सुनकर मेरे को लेके गया था 74-75 में हबीब साहब ने जी जी जी। ये उस जमाने की बात है ये जी जी। ऐसे ही हम लोग भी नाचा वालों को जाते थे दूसरे मंडी को देखने के लिए, हाँ यार ये लड़का बढ़िया यार क्या गाता है यार मजेदार, भैया भैया तुम हमारे मंडली माँ जो यार जो कुछ है हम भी सिखाएंगे आपसे सीखेंगे भी आ जाइए, तो भैया मतलब नाचा मंडली के लिए आपको गाना और वो भी अच्छा सुरीला कंठ होना जरूरी है। तो और क्या, तो इसे क्या नाचने के लिए आपको ये 1 रुपए देगा फालतू का, जिसका सुर नहीं है ना ताल का ज्ञान है, और लड़की की भेष बना लिए लड़की की भेष बना लिए और कुछ नहीं आता आपको, तो कहे का गड्ढा नाचा है वो नहीं भाई जी, जी। आज तो हम हबीब साहब के साथ में चाहे हमारा बल हो तब हम तो उसी को मेन जानते हैं कि हबीब साहब अच्छे सुनार है, जो सुन के परख जानते हैं, हीरा को जौहरी जानते हैं, वैसी कोई जानने कार वाला आदमी हो तभी तो हम इतने दुनिया में गए नाचा लेके और समझा कर आए उसको छत्तीसगढ़ी है नहीं भाई। हाँ। तो अच्छे अच्छे आदमी तो वो नाचा मंडली में था जी। हमने जहाँ गया नए थिएटर में पहुंचा तो वहां तो जाने माने हस्ती थे, हम जी, किसी जी। को पैर दबा रहे हैं, किसी को लिए चाय ला रहे हैं, किसी यही काम करता रहा हम तो वहाँ जी जी। सबका डांट सुनना, हबीब साहब का डांट सुनना, गाली सुनना, इस लगे जाओ यहाँ ला दो रवि, जाओ सामान ला दो रही, पढ़ा कर दो, यही काम करता था जी जी। और काम भी चौकस। हाँ। तो गाली भी धोते थे हबीब साहब का जी, सब काम करते थे पूरे। दादा इसमें जो बजाने के लिए जो चीजें वाद्य यंत्र यूज होता है, मतलब जो तबला या झांझ या मंजरी ऐसा कुछ, तो इसमें क्या क्या कितने वाद्य यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं? मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कई चीजें बाजा में तो है नाम उसका, मगर कई चीज नाचा में डिस्टर्ब करता है, जैसे सिंग साइजर बेंजो, पहले महत्व नहीं पहले 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 सिर्फ पहले सिर्फ हारमोनियम और एक तबला एक ढोलक और मिल गया तो वो क्लारनेट। मैं जी पार्टी में नाचता था वो कार्नेट वाला, वो क्लारनेट वाला बहुत अच्छे मास्टर था वो शंकर जी, अभी जी रहे वो मरा नहीं है, एक एक जगमोहन गुरु जी था जिससे हम बचपन से सुनते सुनते, वो मरा 101 साल में जगमोहन गुरु जी। एक नारायण था नाचा मंडली के आदमी थे जी। उनका जीवन बीत गया नाचा बजाते बजाते जी। ऐसे ऐसे आदमी संगत हुआ है हमारा उन लोगों से, ये नाचा का मेन बाजा मंजीरा है एक बस, मंजीरा मंजीरा छोटा वाला जो वो भी सुर में रहने वाला मंजीरा, वो तबला वो चाटी होता ना माने स्वर वाला जी, उससे मिलते हैं वो फुलकास का, ये बजता था हमारे जमाने में। कुछ सुनाएंगे आप? हाँ सुनाऊंगा, उसके आप सुनाएंगे उसके, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने नाचा बहुत पहले देखा था, उसके बाद देखने में नहीं आया, तो मैं नाचा को सुनाऊं कुछ गाना। हाँ सुनाइए नाचा का। हाँ, हाँ। आपको समझ आया तो आप ठीक है भैया आए नहीं, यहाँ पर आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं। कौन कौन है? देखिए भोपाल से बंटीदा है, जबलपुर से वसंत काशिकर है, उसके बाद कलकत्ता से ओम पारिक सर है, उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, और जयंत दादा भी हैं। हाँ देखा उसे, अब वैसे अंदाज लग रहा था बंटी को भी देख लिया था मैं थोड़ा से जी 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 जी, बंटी दादा को हमारे उस्ताद हैं इन लोग तो हमारा। ठीक मैं गाता हूँ। हाँ
वो गाने यार वो नाचा के शुरू में होते नहीं हलवा बसे अच्छा वाला हाँ वो वाला गाने भी है हाजी हलवा में हरी बसे बसे ठहर जा आओ आओ दादा ठहर गयो तो कान का लगा दी यार तो कान कान के निकल गए है वो लगाना अरे निकलत नहीं छटका सा ले अबे कान के निकल गए है वो देख वाह ये बहुत बढ़िया अब लगा दे अब अच्छा ही से हाउ अब गांव आठ आवाज ना ठीक हाउ आठ है आठ है आठ ले आजी हलवा में हरी बसे गाजर में घनश्याम अरे मक्खन में मोहन बसे सब रबड़ी में श्री राम हाओ और रसगुल्ला में सालिक राम हो भजो भजो गणपति सिया राम हो भजो भजो अरे चित्रकूट के घाट में ओ चित्रकूट के घाट में भाई संतरी के भीर तुलसीदास चंदन जिसे सब तिलक में रखोगी चाहे बर्तन बिके बिके चाहे बर्तन बिके बिकने दो हो भजो भजो गणपति सिया
वाह रवि भैया वाह, क्या बात। दादा योग मिश्रा सर की तरफ से आपको कहा गया कि लाला सोहरत राय का कोई गीत गाइए। अच्छा लाला सोहरत राय का। अच्छा और मोर नाटक के गान भैया, मोर नाटक के, मोर नाटक के, मोर नाटक। वाह मोर नाटक सौदागर की याद है तुला, जाना है नदी एक पार। अरे वो तो बुला गए बहुत दिन हो गए, वो तो बुलाए नहीं है, सब याद है। हाँ ठीक है ठीक है, जो तोर मन में आए। अशोक मिश्र बैठे क्या हुआ? नहीं योग बैठे। अच्छा योग मिश्रा रायपुर वाले। हाँ हाँ अच्छा। पी लो मतवालो मौसम है यही, मौसम है यही दिल वालों। पी लो मतवालो हंसती है बहता पानी, दुनिया क्या एक कहानी, एक दिन की फसाना खानी, दो रातों की ये जवानी, उस पार नए बस्ती है, ये मैं नए मस्ती है, सागर को और उछालो, मैं का हर जाम लुढ़ा लो पी लो मतवालो मौसम है यही दिल वालों। पी लो मतवालो क्या बात। ये सोहरत राय के भाई, बहुत बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बंटी दादा, मैं एक मिनट आपका बोलिए। रवि भैया। हाँ भैया। हाँ बंटी बोल दो। हाँ वो शकुंतला की अंगूठी का वो गाना ना, सिरहाने शकुन वाला। अरे उसका थोड़ा बहुत मुखड़ा मुखड़ा। हाँ हा, थोड़ा याद वाद हो जाएगा, देखते हो। हाँ वो सुनाएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। हारमोनियम के साथ गाइए। अरे यार कैसे एकदम ये लताल बोल ठीक से लगाई। अरे कान छोटे हैं यार। अरे वाह रे बाबू रे, कान छोटे हैं। ये लता ठीक से लगाने वाला, लगाने वाला लड़की। वाह वो सब दे साले लगा साले। वाह भूल जाओ यार, थोड़े से जो भी हो मगर भूल जाओ। पक्का बाबा कारण के ना। हाँ बाबा कारण के ना धुन तो है। नहीं अमोद, अमोद का है, अमोद नहीं, अमोद के, अमोद। अच्छा अमोद के। ये कौन सा नाटक का था? हाँ शकुंतला का अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी है, अंगूठी। अमोद का नहीं था, बाबा कारण का है। अमोद का नहीं था संगीत, बाबा कारण का। हाँ शकुंतला ना हाउ मत, कैसे दिखाना उसमें। हाँ हाँ
नाचती बंटी देखना भूल जो था ओ ता ता सिरहाने सुकुन के आहिस्ता बोलो वाह मगर रोते रोते सो गई है सिरहाने सुकुन के आहिस्ता बोलो मगर रोते रोते सो गई है जिगर पे दाग था गहरा जफा का जिगर पे दाग था गहरा जफा का मगर चुप रोते रोते सो गई है सिरहाने सुकून के आहिस्ता बोलो मगर चुप रोते रोते सो गई है अब वो जमाना जोश गया है बंदी थोड़ा मुंह याद रखे तुम ऐसे ठीक है ठीक आप तो माचा का और कुछ सुनाओ ओ सॉरी नाच का और कुछ सुनाओ अच्छा दुआ बन के आजा मैना बन के आजा बेजानी मामा के डारा लहसानी सानी दुआ बन के आजा मैना बन के आजा बेजानी उड़ी उड़ी सुहाना बिछिया में बैठे उड़ी उड़ी सुहाना पिछिया में बैठे वो पैजन में बैठे ओ पिछिया दे जा ओ पैजन दे जा निशानी दुआ बन के आ जा मैना बन के आ जा बेजानी मामा के डारा नहसानी दुआ बन के आ जा मैना बन के आ जा बेजानी उड़ी उड़ी सुहाना गर्दन में बैठे उड़ी उड़ी सुहाना गर्दन में बैठे गर्दन में बैठे वो बहुका में बैठे ओ बहुका दे जा ओ कर भाई दे जा निशानी दुआ बन के आ जा मैना बन के आ जा बेजानी आमा के डारा नहसानी दुआ बन के आ जा मैना बन के आ जा बेजानी उड़ी उड़ी सुहाना टिकली में बैठे उड़ी उड़ी सुहाना टिकली में बैठे वो फूली में बैठे वो टिकली दे जा वो फूली दे जा निशानी दुआ बन के आ जा मैना बन के आ जा बेजानी आमा के डारा लहसानी दुआ बन के आ जा मैना बन के आ जा बेजानी जानी क्या बात योग सर आप खुद बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे मैं क्या बोलू मैं कह नहीं योग, कहना चाहता योग दादा हूं। योग दादा कुछ बोलने वाले हाँ, भाई, भाई, जय शंकर जय शंकर भाई हाँ भैया भैया आपका हाल चाल है सब भैया बढ़िया भैया ये मोर नाम दमाद गांव के नाम ससुराल के एक गाना सुना ना
अच्छा डुकरा के देखो, डुकरा के देखो दाई। हाँ के देखे मैं सियानी वो कोने लभैगे ठोकरा के देखे मैं सियानी दाई दादा पैसा के लोभी ठोकरा सन रचे बिहाव बुढ़ुआ सन रचे बिहाव रे भाई ए भाव सागर यग भरी हे कैसे के उतरा पारे आओ कैसे के उतरा पारे भाई रोई रोई काटे उदाई रोई रोई काटे जिंदगानी वो घूमे लबई टोकरा के देखे मैं तो पहला के देखे उदाई उड़ुवा के देखे मैं सियानी वो घूमे न भई उड़ुवा के देखे के बुड़ुआ के देखे मैं सियानी डोबरा के देखे मैं सियानी ये देख ओके जी योग जी थैंक यू दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि भैया हाँ हेलो रवि भैया हाँ बोल कभी बोल, कभी आप कभी कभी संस्थानक का भी रोल करते थे मिट्टी की गाड़ी हाँ, में जो हबीब साहब नहीं रहते थे तो हाँ याद है ना हाँ तो उसमें संस्थानक का एक तो गाना था एक तो गाना था संस्थानक जो गाता था वो क्या कहते हैं चीते की कमर है चीते की कमर चांदी की हाँ वो तो भूल गए बहुत है वो तो ऐसा था कि चाल ढाल जजमान जगत जजमान जगत जंगत जगत हमारी वीडियो यदि कट जाए तो जगत राजा का साला वाला हाँ मैं हूँ राजा का साला मैं हूँ राजा का साला साला हाँ हाँ घबरा ये धूप दादा हमारी मेजा से बन हमारी वीडियो कट जाए तो वापस से रिज्वाइन हो जाइएगा आप क्योंकि समय होने वाला है हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया हाँ समय हो गया लेकिन वापस से हम एक बार फिर से मिलने वाले हैं लता को बोलना है कि वापस से रिज्वाइन कर लो हाँ हाँ